का दोस्तों बाइक वाला सुविधा में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो आपका ऑयल देख रहे हैं, मतलब ये आपका जला हुआ मोबिल ऑयल है, इसके सहारे आपका जो गाड़ी का लुब्रिकेशन है, खास करके आपका ब्रेक वायर में या बाकी जो जगहों में है चेन को छोड़कर, वो किस प्रकार से आप करें। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पुराने हैं तो रेगुलर वीडियो को देखिए, जो जो भी वीडियो है इस रिलेटेड, और भी आपका वीडियो पहले भी दे चुके हैं और भी आपको आगे भी देंगे सारे के सारे चीज़ों के लिए। तो आज का वीडियो जो है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका जो गाड़ी का मेन फंक्शन है, मेरा जो आपका हेवी ड्यूटी वाला मोपेड है, ये BS3 का आपका वर्सन है। तो इस BS3 के वर्सन में और BS6 के वर्सन में जो ज़्यादा डिफरेंस आपका उतना कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपका जो जगह पर आपको मेन जगह पर जो लुब्रिकेशन करना होता है उसी के बारे में आज आपको दिखाएंगे। तो मेरे पास ये जला हुआ आपका मोबिल ऑयल है, जो कि आपका नीचे यहाँ पर देखिएगा, जहाँ पर आपका चेम्बर है, जहाँ पर आपका ऑयल जमा होता है, वहाँ पर से आपको ये निकालना पड़ता है। तो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ पर आपको अगर देना होता है। तो देखिए, ये हम लोगों का वायर है इस गाड़ी का। अगर आप BS6 का यूज़ कर रहे हैं तो BS6 में देखिएगा कि आपका जो जॉइंट आपका वायर है, ये आपका लगता है। मेरे गाड़ी के केसेस में सिंगल वायर है। तो आपको देना कहाँ पर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले ये जगह पर आप पॉइंट में देखिएगा, इस टाइप से इस जगह पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो और एक जो जगह है जहाँ से आपको लुब्रिकेशन करना ज़रूरी होता है, वो है आपको जहाँ से एक वाला सिरा जो आपका ख़त्म होता है ब्रेक वायर का, वहाँ पर आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो एक गाड़ी का जो आपका डिस है, डिस में भी आप हल्का से दे सकते हैं, पर इसमें ज़्यादा आपको देने का ज़रूरत नहीं होता। क्योंकि अगर नहीं तो डिस के अंदर अगर मान लीजिए ज़्यादा ही मोबिल चला गया, मतलब जो जला हुआ इंजन ऑयल है, तो आपको गाड़ी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। तो मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा देने का ज़रूरत नहीं है। दूसरे सिरे से भी आप हल्का फुल्का यहाँ पर दे सकते हैं जहाँ पर जॉइंट है, हल्का फुल्का, ज़्यादा देने का भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपका आता है पीछे की और में। तो पीछे आप दिखा देते हैं कि किस साइड में आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका पीछे के पोर्शन में आपको जहाँ यहाँ पर देना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक आपका है यहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पर देखे लिखा हुआ है ब्लैक नाइनिंग वायर लिमिट पर, मतलब यहाँ से आपका जो डिस है, डिस का और आपका जो ब्रेक का जो कनेक्शन है, ये आपका यहाँ पर बैठता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत आपका दे दिया जो आपका इंजन ऑयल है। इसके बाद जो आपका आता है नीचे की तरफ, आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर आपका जॉइंट है, इस जॉइंट पे भी आपको थोड़ा बहुत देना है। आप चाहे तो इस जगह पर आप हल्का सा डाल ले सकते हैं, इस जगह पर आप हल्का सा दे दीजिए। ये जो आपका मोबिल है, वो आपका जो है वो नीचे आपका सरकता हुआ नीचे इस जगह पर चला जाएगा। तो आप इस जगह पर पोर्शन में दे दीजिए, और जो देख रहे हैं वायर, ये वायर के साथ एक कनेक्ट करेगा। इसके बाद जो भीतरी आपका जगह है, ये आपका मेन पोर्शन है। इस जगह पर अगर आप ठीक टाइप से ऑयल ना दिए, तो आपका जो बारिश के मौसम में या आपका विंटर के मौसम में है, जब ये गाड़ी थोड़ा आपका ड्राई हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर साउंड आने लगेगा। तो आपको इस जगह पर भी आपको जो ऑयल है देना ज़रूरी होता है। और अगर आप चाहें तो इस जो जगह पर जॉइंट होता है, इस जगह पर भी आप दे सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करता, पर अगर आप चाहें तो इस भीतरी वाला पोर्शन में जहाँ पर आपका जॉइंट है या आपका जो डिस जहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर भी हल्का फुल्का आप ऑयल दे सकते हैं। आपके हिसाब से डिपेंड करता है, मैं जैसे यूज़ नहीं करता, पर अगर आप चाहें तो कि गाड़ी में ज़्यादा ही साउंड आ रहा है, या आपका कोई रूखी जगह पर अगर आप रहते हैं, तो जैसे राजस्थानी वाला इलाका हुआ या ऐसा जगह पर जहाँ पर ड्राइनेस आपका ज़्यादा है, तो आप चाहे तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हम लोग के यहाँ पर आपका बैलेंस रहता है, नमी भी रहता है मौसम और ड्राई भी रहता है, उस हिसाब से आपको लिमिट करके हमें चलाना पड़ता है। मैं यहाँ पर एक जो चीज़ें हैं, ये आपका जो चेन वायर है, चेन वायर पर आपका ऑयल यूज़ नहीं किया हूँ, क्योंकि चेन वायर का जो ऑयलिंग का प्रोसेस है, मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूँ। तो ये सब जगह पर आपको देना ज़रूरी होता है। और एक जो जगह है, आप यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी का जहाँ पर जॉइंट लग रहा है, इसका भीतरी वाला पोर्शन में आप चाहे तो दे सकते हैं। इस पोर्शन में नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस जगह पर आपका जॉइंट रहता है इस भीतरी वाला पोर्शन में। तो गाड़ी को आपको हल्का सा यहाँ पर इस टाइप से झुकाना पड़ेगा, और यहाँ पर हल्का सा देना पड़ेगा। तो इस जगह पर आपका ऑलरेडी बियरिंग का रहता ही है यहाँ पर, तो अगर आप जहाँ पर गाड़ी को सर्विसिंग कराएंगे वहाँ पर ऑलरेडी कर देगा, पर फिर भी अगर आप चाहे तो यहाँ पर दे सकते हैं। इसमें गाड़ी का जो लुब्रिकेशन है थोड़ा फाइन बना रहेगा। तो मैंने यहाँ पर आपको हल्का फुल्का दे के दिखाया कि किस जगह पर क्या कुछ देना पड़ता है।
और जो जगह है एक आपका इस पोर्शन में होता है जहाँ पर आपका ब्रेक लगता है, और दूसरा जगह पर है ए वाला। तो ये सब आपका जगह मेन पोर्शन होता है जहाँ पर आपको जो ऑयल है देना ज़रूरी होता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और जगह पर आपको देना ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादा अगर ऑयल दीजिएगा तो आपका डस्ट ज़्यादा पकड़ेगा और गाड़ी का साउंड भी है वो थोड़ा डिफरेंट होने लगेगा और गाड़ी को ज़्यादा सर्विसिंग में ले जाना पड़ेगा। तो बेसिक सब चीज़ें आपका ही था। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं खूब काफ़ी सिंपल चीज़ों से आपको समझाया कि आपका एक जो छोटा सा डब्बा है इसमें आपका इंजन ऑयल भरकर जला हुआ, आप कैसे आपको ये गाड़ी को लुब्रिकेशन कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद और जय भारत।